नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड एक्सप्लेन कार्बोकैटायंस। टुडे आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कार्बोएनायन। कार्बोएनायन क्या होता है? देखिए, कार्बोएनायन दीज आर द केमिकल स्पीसीज व्हिच पजेस ए नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन सेंटर लाइक द कार्बोकैटायंस। द कार्बोएनायंस आर also formed by the heterolytic fission of the covalent carbon by the means of any heterolytic atoms and molecules. Carbon का मतलब क्या हुआ? These are the chemical species possess a negatively charged. Simple word में बोलूँ तो negatively charged species यानी कि carbon होता है जिसमें lone pair of electron present होते हैं and produced by the heterolytic fission, जो कि heterolytic fission के through बनते हैं। These carbon species are known as the carbonyl. इस carbon species को हम क्या कहते हैं? Carbonyl कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको example दे रखा है, इसको मैं ऐसे explain करके बताती हूँ। Like that, we have the example of CH3. Y की जगह पर हम कोई भी species ले लेते हैं, तो हम ले रहे हैं CH3Cl। अगर इसका heterolytic fission करेंगे, this is the heterolytic fission, अगर इसका heterolytic fission किया जाएगा, so due to the heterolytic fission, the bond is break toward the highly electronegative atom. Bond break होगा toward the highly electronegative atom. Bond हमारा break हो गया toward highly electronegative atom. So we find out the what? We find out CH3+, because it donates the electron toward the chlorine side, and the chlorine having a negative charge with lone pair of electron. Okay? So this is the carbocations. हमने कहा था carbocations. अब हमें यहाँ पर दिस इज द कार्बोनाइल, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कार्बोएनायंस। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि कार्बोएनायंस करने के लिए बॉन्ड तो हाइड्रोलिटिक की तरफ से ब्रेक होगा, बट यहाँ पर जो भी एटम हम लेंगे वो इस तरह से होगा कि कार्बन पर प्लस चार्ज ना आते हुए क्या हो, माइनस आ जाए। तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोलिटिक फिशन करा, हाइड्रोलिटिक फिशन करा। अब ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, CH3 बॉन्ड CH3 दैट मीन इथेन लिया। सो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, टूवर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ को कहा था मैंने, बट दिस इज देयर इज नो हाइड्रोलिटिक, कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा बॉन्ड या तो यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा या यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा, कहीं पर भी ब्रेक कर दीजिए, बिकॉज बोथ साइड कार्बन इज क्लियर। सो बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ, सो वी गेट व्हाट? वी गेट CH3+, हमें कार्बन प्लस प्राप्त हुआ, तो जिसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन। पर मुझे कार्बोकैटायन एक्सप्लेन नहीं करना है, सो वी फाइंड आउट व्हाट CH3, मैंने बॉन्ड को ओपन करके लिख दिया है। सो यहाँ पर हुआ नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये स्पीसीज जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये है आपका बॉन्ड ब्रेक होने से, ये इसमें CH3 पर आपका नेगेटिव चार्ज और वाई पर प्लस चार्ज है। सो हियर कार्बन इज द कार्बोएनायंस, एक ऐसा कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बोएनायन के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर साफ लिखा, देखिए हियर वाई इज द एटम विच मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कार्बन। यहाँ पर हमारे पास वाई क्या होगा? वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा। वाई एन एटम विच आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कार्बन, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, किसमें? इन केस ऑफ कार्बोएनायन। ठीक, ये तो बात आई कार्बोएनायन की, बट क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बोएनायन भी क्या कार्बोकैटायन की तरह है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं? वास्तव में क्या ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं? तो देखिए, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं। ठीक, कैसे? देखिए, व्हेन कार्बन अटैच विद थ्री हाइड्रोजन एटम विद नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, कार्बन अटैच विद वन एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयर इज टू हाइड्रोजन एटम विद नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटम टू आर ग्रुप का मतलब हो गया CH3 ग्रुप एंड नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन कार्बन एटम अटैच विद 3R ग्रुप, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप, दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, दी आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जैसे कि मैंने ये दिखाया। ठीक, ये देखिए, ये कार्बन एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन से अटैच है। सो दिस इज मिथाइल कार्बोएनायन। ये कौन सा एनायन कहलाएगा? मिथाइल कार्बोएनायन। यहाँ कार्बन ने एक आर ग्रुप अटैच है, सो दिस इज द प्राइमरी कार्बोएनायन। हियर टू आर ग्रुप इज प्रेजेंट, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोएनायन। हियर थ्री आर ग्रुप इज प्रेजेंट, देयर इज द टर्शियरी कार्बोएनायन। तो दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, दैट मींस CH3 ग्रुप, दीज आर नोन एज द प्राइमरी कार्बोएनायन, सेकेंडरी कार्बोएनायन, टर्शियरी कार्बोएनायन एंड मिथाइल कार्बोनाइन, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने आपको, इस पिक्चर में आपको शो कर रखा है। यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, सो दिस इज द मिथाइल कार्बोनाइन।
प्राइमरी एक आर ग्रुप है, सेकेंडरी में दो आर ग्रुप है और टर्शियरी में तीन आर ग्रुप है, ठीक। सो देखिए, दिस इज व्हाई ड्यूरिंग द हाइड्रोजन फिशन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन टुवर्ड द कार्बन एटम टू डेवलप नेगेटिव चार्ज ओवर इट, इट इज जनरेटेड बाय द हाइड्रोमेटिक फिशन। हाइड्रोमेटिक फिशन से एक ऐसा कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि किसके थ्रू बनता है, ड्यू टू द हाइड्रोमेटिक फिशन के थ्रू बनता है, एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 इन इट इज कॉल्ड कार्बन एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बन एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने, हाइड्रोमेटिक फिशन के थ्रू बनता है, वो तो हमने क्लियर कर दिया, बट देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन का लॉजिक क्या है, देखिए, यू नो दैट एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तीन बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ यहाँ पर है, टोटल मिला के कितने होगा 8, ठीक। सेम है, 1, 2, 3 और दो इलेक्ट्रॉन ये, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। दैट मीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसको अगर काउंट कर दिया जाए तो टोटल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक। दीज आर द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन आयन। बट अब क्वेश्चन उठता है कि आप ना कार्बन आयन तो बता दें, तो कार्बन आयन में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन आयन में, तथा साथ ही इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको बता रखा मैंने कितने टाइप के होते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 एंड sp3d3। सो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है ये देखिए, सो हाइब्रिडाइजेशन इज कार्बन आयन, द कार्बन आयन शोन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। कार्बन आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बोला, लिखा है मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे होता है देखिए, मैंने कहा ये कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, इसके साथ तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है, दिस इज द 3 हाइड्रोजन इज अटैच्ड एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8, ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। सो हमारे पास कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चेक करिए, 1, 2, 3 एस, एक ऐसे हो गया, और एक ये बॉन्ड, ये बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग के रूप में प्रेजेंट है, बट इट टेक पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सो एक ऐसा हो गया, पी के कितने हो गए 3 और एक कितने हो गए 4, 1, 2, 3 और 4, 4 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जिसमें कि ये कार्बन का वन बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड और दिस इज द वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके ये रिप्रेजेंट है, और ये हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, किस केस में, इन केस ऑफ कार्बो एनायन्स। सो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बन आयन्स, क्वेश्चन ये उठता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कार्बन आयन्स के, मेन गुण क्या होते हैं, उनके प्रमुख प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर कार्बन आयन्स। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आयन्स, देखिए, इट बिहेव एज अ चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि कार्बन आयन्स किसकी तरह काम करता है, लिखा है मैंने, दिस बिहेव एज अ चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, ये किसकी तरह बिहेव करता है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। सो यू नो दैट दिस इज द कार्बन आयन्स, दिस इज द कार्बन आयन्स, ये आपका एक कार्बन आयन है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शियरी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज जहां हो गया, दिस इज नोन एज द कार्बन आयन। सो इट बिहेव एज अ चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव एज अ चार्ज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर चार्ज है और नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है उसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं, दीज आर नोन एज द न्यूक्लियोफाइल। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नंबर टू, दीज आर देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन आयन्स कार्बन, हैंस इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। कार्बन आयन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, अर्थात इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री रूल द ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड, दैट मीन्स इट शुड बी स्टेबल, वो क्या होगा, स्टेबल होगा, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वे क्या कहलाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ को मूव कर जाएगा। नंबर थ्री, इट इज डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, ये इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है बट क्वेश्चन ये उठ रहा था कि दीज आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, बट इसने ये क्लियर कर दिया प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इट इज क्लियर दैट इट इज डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक का मतलब ये बोथ इलेक्ट्रॉन आर पेयर एंड दैट व्हेन द इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर दैट मेक इट शोन दैट डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं और वो पेयर्ड अवस्था में होने के कारण क्या कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि इसका भी
बिहेवियर। अब देखिए मैंने बोला इट इज ए चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल होने के कारण इसमें नेगेटिव चार्ज भी लोन तरफ रखा हुआ है। नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, लोन पेयर फ्लक्टर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली सिंपल सा फैक्ट है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ को मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ को मूव करेगा। तो दैट मींस इट रिएक्ट इजीली विद द इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात कहने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज वाला आसानी से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ को क्या करता है, रिएक्शन करता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ इजीली रिएक्शन करता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बो एनर्ज। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो कार्बन एनर्ज क्या है, कार्बन एनर्ज आर द स्पीशीज व्हिच हैविंग ए नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल्स, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल शुड बी कंप्लीटेड, दैट मींस इन आउटरमोस्ट ऑक्टेट हैविंग ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 एंड इट अट्रैक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल्स, दीज आर नोन एज द कार्बो एनर्ज। ओके, सो दीज आर द कार्बन एनर्ज। सो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एनर्ज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एनर्ज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।